फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को क्लिक करो। वेलकम टू विपुलास किचन। फ्रेंड्स, आज हम लेयर वाली पूरी बनाने वाले हैं। ये पूरी बनाना बहुत सिंपल और आसान है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। पूरी बनाने के लिए मैंने ये दो कटोरी गेहूं का आटा लिया है और सामने एक कटोरी में रवा ले रही हूँ। इसमें हम मैदा यूज नहीं करने वाले हैं, एकदम हेल्दी गेहूं के आटे से ही हम ये पूरी बनाने वाले हैं। अच्छे से आटे को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून जितना आधा पिसा हुआ जीरा डालेंगे हम। मरी पाउडर आधा पिसा हुआ, पाउडर एकदम नहीं करना है, ब्लैक पेपर का थोड़ा आधा पिसा हुआ ही लेना है, वो ऐड करेंगे। अभी हम उसमें घी ऐड करेंगे। इस पूरी में मसाला पूरी जितना घी ऐड नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम बीच में जो लेयर बनाने के लिए जो कॉर्नफ्लोर और घी यूज करने वाले हैं उसमें भी घी पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि हमको कितना घी ऐड करना है। पहले हम सब ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह का हो तब तक इतना ही हमें घी ऐड करना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना बहुत घी खाएंगे मुंह में, ऐसा घी घी लगेगा। तो बस इतना ही घी हमको ऐड करना है। अभी डो रेडी करने के लिए मैंने ब्लैक सॉल्ट और सॉल्ट का पानी बनाया हुआ है, तो वो धीरे धीरे हम ऐड करेंगे और उससे अच्छा डो प्रिपेयर करेंगे। डो हमारा एकदम ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए या ज्यादा सॉफ्ट भी होना नहीं चाहिए, एकदम अच्छे से हमको डो प्रिपेयर करना है। धीरे धीरे पानी ऐड करके हम अच्छे से डो रेडी कर लेंगे। अभी दोनों हाथों में घी लगा के डो को अच्छे से मसल लेंगे। आप देख रहे हो कितना अच्छा एकदम सॉफ्ट हमारा डो रेडी हुआ है, और उसको आधा घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। अभी ये बीच में जो स्लरी हम बनाने वाले हैं अप्लाई करने के लिए, वो रेडी करने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून पिघला हुआ घी लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून में कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसकी स्लरी बना दूंगी। और पिघला हुआ घी लेना जिसके कारण अच्छे से कॉर्नफ्लोर उसमें मिक्स हो जाए। अभी हमारे डो को हमने आधा घंटा रेस्ट दे दिया है, अभी डो रेडी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट है हमारा डो, देखिए बस इसी तरह से रेडी होना चाहिए, तो हमारी जो पूरी बनेगी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अभी समान हिस्सों में सबके उसके लुए बना देने हैं और एक पतीली में हम उसके ले लेंगे, और इसमें से हमको बड़ी बड़ी रोटियां बनानी है, तो हम 4 रोटी पहले बना लेंगे उसमें से। अभी ये रोटी, एक पहली रोटी लेंगे और उस पर हम जो कॉर्नफ्लोर और घी का मिश्रण बनाया है वो अप्लाई करेंगे, और उसे अच्छे से अप्लाई कर देना है। ये जो मिश्रण हम लगा रहे हैं इसके कारण हमारी पूरी बहुत क्रिस्पी बनती है। अभी इस पर दूसरी रोटी रख देंगे और उस पर भी हम मिश्रण अप्लाई कर देंगे। अभी तीसरी रोटी रखेंगे और उस पर कॉर्नफ्लोर और घी का बनाया हुआ मिश्रण हम अप्लाई कर देंगे। इस तरह से 3 रोटी को हम बारी बारी रख के उस पर ये मिश्रण लगा देंगे। अभी उस पर 4थी रोटी रखेंगे और उसको हमें मिश्रण लगाना नहीं है, उसको अच्छे से बेल लेंगे ताकि हमारी पूरी जो 3 रोटियां है नीचे वो अच्छे से चिपक जाए, और उसका टाइट रोल बना लेंगे। रोल को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर उसको कट कर देंगे। ऊपर की पूरी को लगाने का नहीं कारण वही है कि
कि अगर ऊपर की पूरी को हम लगाएंगे ना तो वो छुट्टे जब हम तलेंगे तो उसके सब लेयर अलग हो जाएंगे और पूरी हमारी बिखर जाएगी। अभी उसको जो कट किया है हमने वो फिर से उसको बेल लेंगे और उसको बेलने के टाइम पहले उस हाथ से ऐसे प्रेस करना है। अभी हम एक प्लास्टिक शीट ऊपर सारी पूरियाँ हम ले लेंगे, उसको पेपर पे नहीं लेना है क्योंकि पेपर में स्याही और जो कलर होता है जो केमिकल होता है वो पूरी में आ जाता है। इसके लिए हम उसे प्लास्टिक शीट पे ही लेंगे, उसका उस बात का ध्यान रखना। अभी हमारा तेल भी आ गया है तो उसको हम मीडियम फ्लेम पे उसे तल देंगे। अभी पूरी पर मसाला छिड़कने के लिए एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैं हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट और हाफ टी स्पून चाट मसाला लूंगी और इस सब को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मसाला पूरी पर बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिए हमारी पूरी तल गई, तल के एकदम रेडी है, उसको साइड पर कर देंगे। अभी ये पूरी हमारी गर्म है, उसी टाइम पे बनाया हुआ मसाला उस पर छिड़क देंगे ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। और ये पूरी मसाला छिड़कने के बाद उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हमें पूरी को सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे पूरी के सब लेयर एकदम अच्छे से अलग पड़े हुए आप देख सकते हो। तो ये पूरी सच में बहुत अच्छी बनती है, आप जरूर ट्राई करिए और आपके कमेंट मुझे जरूर देना।